आज हम लोग डिस्कस करेंगे इथाइलिन के बारे में। तो नंबर 4 है हमारा फाइटो हार्मोन, ये इथाइलिन। इथाइलिन की यदि बात करें तो इथाइलिन जो है इसको यदि समझेंगे तो हम ये कह सकते हैं इथाइलिन का जो प्रेजेंस है वो एक राइब्ड ऑरेंज के अंदर देखा गया, और इसको क्यूजिन ने सबसे पहले कंफर्म किया था कि जो राइब्ड ऑरेंज है उसके अंदर एक केमिकल देखा जा रहा है जिसका नाम है इथाइलिन। तो हम ये लिख सकते हैं साइंटिस्ट हैं क्यूजिन कंफर्म, क्यूजिन कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन इन राइब्ड ऑरेंज, इन राइब्ड ऑरेंज, राइब ऑरेंज में इथाइलिन के प्रेजेंस को क्यूजिन ने कंफर्म किया था। इसके बाद आगे यदि हम और देखें इसमें तो एक साइंटिस्ट हैं आर गेन, आर गेन जो है इन्होंने क्या किया, आर गेन ने गैसियस नेचर को बताया था इथाइलिन के। आर गेन कंफर्म्ड दी गैसियस नेचर ऑफ इथाइलिन, ठीक है। इसके बाद दो साइंटिस्ट थे, एक था जेमरवैन और दूसरा था क्रॉकर। जेमरवैन एंड क्रॉकर, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया राइपनिंग फ्रूट के नेचर को। डिस्कवर्ड फ्रूट राइपनिंग नेचर, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि फ्रूट जो है वो राइप कैसे हो रहा है, कैसे वो पक रहा है, इसके नेचर को इन्होंने डिस्कवर किया। और इन्होंने पाया कि उसके अंदर एक गैसियस सब्सटेंस है जिसको हम बोल रहे हैं इथाइलिन। तो इन्होंने ही इथाइलिन की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक सिंपल गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन सिंपल गैसियस हार्मोन, ये एक सिंपल गैसियस हार्मोन है और ये लार्ज क्वांटिटी में लीव्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन इन लार्ज क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी बाय लीव्स, बाय लीव्स, ठीक है, लीफ के द्वारा बनेगा। अंडरगोइंग सेनेसेंस, ये क्या कराता है, सेनेसेंस भी कराएगा। एंड
राइपनिंग फ्रूट, फ्रूट राइपनिंग भी कराता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये समझ सकते हैं, जो एथाइलिन है ये रूट ग्रोथ को और रूट हेयर्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड या एक इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर्स फॉर्मेशन, रूट हेयर की फॉर्मेशन कराता है। जिससे क्या होगा, जब रूट हेयर ज्यादा बन जाएंगे तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एडोप्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या करता है, ये हेल्प टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है जी। इसके अलावा इथाइलिन जो है ये फ्रूटिंग को और फ्रूट सेटिंग को भी इनिशिएट करता है पाइनएप्पल के अंदर। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्रूटिंग एंड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्रूटिंग कराता है, फ्रूट की डेवलपमेंट कराएगा, फ्रूट की फॉर्मेशन कराएगा ये। और ये मैंगो में फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। मैंगो में फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। इसके अलावा ये कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को इंक्रीज कर देगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो कुकुम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर बनेंगे, जिसकी वजह से जो उसकी यील्डिंग है, प्रोडक्टिविटी है कुकुम्बर की, वो बढ़ जाएगी। इट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। ये कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है, हेंस इससे क्या होगा, इंक्रीज इन यील्ड, जो पैदावार है, यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये कुछ फंक्शन होगा इथाइलिन के, हमने समझ लिए। आगे कुछ और पॉइंट समझते हैं, इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट फंक्शन देखें यदि, तो ये जो इथाइलिन है ये क्या करता है, ये सेनेसेंस को और एब्सिशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फ्लावर्स के जो, या प्लांट के जो ऑर्गन हो गए, जैसे लीफ हो गई और फ्लावर हो गए, इनके ब्रेक कराने के लिए और एजिंग के लिए इनको भी प्रमोट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं, इट प्रमोट
सेनेसेंस, इट प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है फॉल डाउन या ब्रेक हो जाना ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली प्लांट ऑर्गन में स्पेशली किसको ये ब्रेक करवाता है, स्पेशली आपकी लीव्स हो गई एंड फ्लावर्स हो गए, लीव को और फ्लावर्स को ब्रेक कराएगा जब ये एज्ड हो जाएंगी। जैसे लीव की एज्ड हो गई, लीव पुरानी हो गई, पत्तियां बूढ़ी हो गई, तो फिर वो ब्रेक होकर फॉल ऑफ हो जाएंगी। इसके अलावा फ्लावर पूरी तरह डेवलप हो गया, एज्ड हो गया, तो वो भी ब्रेक होकर फॉल ऑफ हो जाएगा। तो ये सारा काम इथाइलिन भी कराता है। तो इथाइलिन का एक तो आपने प्रमोटिव फंक्शन देख लिया, दूसरा आपने इनहिबिटरी फंक्शन भी देख लिया। इसके अलावा ये जो सीड होती हैं उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। इट इन्फ्लुएंसेस या इट इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंसेस दी, इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये सीड्स की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा। इसके अलावा जो इंटर नोड है या जो पेटियोल होता है उसका ये इलोंगेशन करा देता है। पेटियोल का इलोंगेशन कराएगा डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर, जो पानी में डूबे हुए प्लांट है उनमें स्टेम का इलोंगेशन या हम बोल सकते हैं इंटर नोड का इलोंगेशन और पेटियोल का इलोंगेशन कराता है। तो ये क्या कराएगा, इट प्रमोट इलोंगेशन ऑफ इंटर नोड एंड पेटियोल इन डीप वाटर राइस प्लांट। इसके अलावा इथाइलिन क्या करता है, ये सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इट ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट जिसमें प्लांट पार्ट, ये सीड हो गई या बड हो गए, ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं और स्ट्रेसफुल कंडीशन को, एनवायरनमेंट को अवॉइड करते हैं। तो इथाइलिन जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म होती है, इथाइलिन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट डेवलप कर देगा। बड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, जिससे बड जब ब्रेक होगी तो वहां से नया कोई लीव डेवलप कर जाएगी या कोई फ्लावर डेवलप कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इथाइलिन जो है ये जो रेस्पिरेशन का रेट है फ्रूट राइपनिंग के टाइम पर उसको इंक्रीज कर देता है, और इस चीज को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लिमेट्रिक। तो ये करता क्या है, इथाइलिन इंक्रीज दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग
राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी क्लाइमेट्रिक, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। यदि आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि फ्रूट राइपनिंग के टाइम पर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी रेट का इंक्रीज हो जाना विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। इसके अलावा हम आगे समझ सकते हैं इसमें, इथाइलिन की यदि बात करें तो जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला कंपाउंड है जो इथाइलिन से ही हमें मिलता है वो है इथाफोन। ये याद रखिएगा, दी मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड, मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलीन इज इथाफोन। ये आपका इथाफोन है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इथाइलीन कंपाउंड है। अब देखो इथाफोन के लिए हम एक बात समझ सकते हैं, इथाफोन एक एक्वा सॉल्यूशन है, इथाफोन इज एन, या इथाफोन को क्या करते हैं, इथाफोन को ना हम एक एक्वा सॉल्यूशन में लेते हैं। इथाफोन इन एन एक्वा सॉल्यूशन में डाल देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये जब एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा तो ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर। इज रेडली एब्जॉर्ब, ये बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगा और इसको फिर हम उस एक्वा सॉल्यूशन में डाल के दूसरे जो फ्रूट्स वगैरह हैं या प्लांट्स वगैरह हैं उनके साथ रख देंगे और दूसरे फ्रूट है इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो इसके साथ जो बाकी के फ्रूट जो रखे होंगे ये क्या होगा, उनके अंदर भी जाता रहेगा, उनके अंदर एब्जॉर्ब होगा और उन बाकी अनराइप फ्रूट को ये राइप करा देगा। तो एब्जॉर्ब हो गया एंड ट्रांसपोर्टेड, विद इन दी प्लांट्स एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली ड्यू टू विच फ्रूट्स आर राइप, जिससे ये फ्रूट जो है वो पक जाएंगे, राइप हो जाएंगे। इस मेथड से हम एप्पल को राइप करा सकते हैं, इसके अलावा मैंगो को राइप कराते हैं इसी मेथड से, और टोमेटोज को राइप कराते हैं। मतलब इसको करते क्या है, इथाफोन, जैसे हमने इथाफोन लिया एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसको ना जैसे एक फ्रूट के साथ रख देंगे, फ्रूट के अंदर उसको डाल देंगे तो क्या करेगा, फ्रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये है, ये है मान लीजिए, तो इसमें हमने एक एक्वा सॉल्यूशन में पहले यहाँ पर ये इथाफोन मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको एक फ्रूट के साथ रखा,
इस फ्रूट में ये इथाफोन चला गया, तो इस प्लांट में आ गया। अब इस फ्रूट को हमने बाकी जो अनराइप फ्रूट है, ये तो राइप हो गया, इसमें इथाफोन है, जो अनराइप फ्रूट है उनके साथ हमने ये राइप फ्रूट रख दिया, तो अब क्या होगा, जो एक्वा सोल्यूशन में हमने इथाफोन डाला है वो इथाइलिन यहाँ से धीरे धीरे रिलीज होगा, और रिलीज होकर ये दूसरे प्लांट्स के अंदर या दूसरे फ्रूट्स के अंदर जाएगा और उन अनराइप फ्रूट्स को ये राइप करवाएगा। तो इस मेथड से हम एप्पल को, मैंगो को और टोमेटो को राइप करा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इथाइलिन कंप्लीट। तो हमने आज इथाइलिन पूरा पढ़ लिया अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब एबीए, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब एबीए के। लास्ट फाइटो हार्मोन है ए बी ए, एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया, तीन तरह के ये बताए इन्होंने। एक बताया, इसकी फॉर्म बताई थी इनहिबिटर, बी दूसरा बताया डोरमेंट, और तीसरा बताया एब्सिशन सेकेंड। ठीक है, ये तीन रिपोर्ट किए थे, और ये जो डिस्कवर हुए थे, इनकी डिस्कवरी के बाद इसके एसिडिक नेचर को डिस्कवर किया गया। तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इट्स, आफ्टर दी डिस्कवरी ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, फिर ये डिस्कवर हुआ कि इथा जो एबीए है, एबीए एसिडिक नेचर का है, तो जब उसके एसिडिक नेचर की डिस्कवरी हो गई तब इसे नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, फिर इसको एब्सिसिक एसिड बोला गया। ठीक है जी, एबीए की जो डिस्कवरी हुई थी वो डिस्कवरी हुई थी अपने एबीए के एब्सिशन और डोरमेंसी के रोल के लिए। एबीए वाज डिस्कवर फॉर इट्स रोल ऑफ एब्सिशन एंड डोरमेंसी, एबीए का जो एब्सिशन और डोरमेंसी का रोल है उसके लिए इसकी डिस्कवरी हुई थी। और एबीए जो है ये एक जनरल प्लांट हार्मोन है, या एक ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं इट एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर, इट एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट में मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनहिबिट करता है ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, और सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करेगा, एंड इंड्यूस सीड डोरमेंसी।
सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करेगा। इसके अलावा ये सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन और डोरमेंसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि ये देखो सी ये क्या कर रहा है, डोरमेंसी करा रहा है, तो डोरमेंसी से क्या करेगा, ये उस सीड को जो अनफेवरेबल कंडीशन है उस टाइम में सरवाइव कराने में हेल्प करता है। तो ड्यू टू डोरमेंसी इट हेल्प दी सीड टू विदस्टैंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस वजह से ही सीड जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि ये उसकी डोरमेंसी करा देता है। और ये क्या करता है, ये टॉलरेंस पावर जो है प्लांट की उसको बढ़ाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इट इंक्रीज दी टॉलरेंस ऑफ प्लांट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हेंस ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, तो आप नाम बताएंगे एबीए। तो एबीए जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली एबीए के बारे में, एब्सेसिक एसिड के बारे में। अब दो टर्म हमारे पास आती हैं, आप जब ये पढ़ेंगे तो आपके पास दो टर्म आपको मिल सकती हैं। एक टर्म मिल सकती है आपको एगोनिस्ट, एगोनिस्ट या एगोनिस्टिक इफेक्ट। इसका मतलब होता है सेम इफेक्ट। और दूसरी टर्म आती है एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, इसका मतलब होता है ऑपोजिट इफेक्ट। जैसे जिबरलिक एसिड की बात करते हैं, जिबरलिक एसिड, जिबरलिक एसिड क्या करता है, ये एबीए जैसे जो काम कर रहा है ना, जो काम एबीए कर रहा है उसके ऑपोजिट काम करता है। ये सीड डोरमेंसी को रोकता है, एबीए सीड डोरमेंसी कराता है। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ऑपोजिट इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो जिबरलिक एसिड एबीए के एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अब मैं यदि जिबरलिक एसिड और ऑक्सिन की बात करूं, जैसे जिबरलिक एसिड हो गया और ऑक्सिन हो गए, ये दोनों एक काम करते हैं कि दोनों के दोनों ना ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को दोनों कराते हैं, दो दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो इनका इफेक्ट हो गया एगोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये टर्म आती है कुछ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और एगोनिस्टिक। दोनों यदि सेम इफेक्ट शो करें तो एगोनिस्टिक, और ऑपोजिट करेंगे तो एंटागोनिस्टिक। तो इसी के साथ आज हमारा जो ये प्लांट हॉर्मोन्स है वो कंप्लीट होता है, और हमने अपना जो प्लांट वाला सेक्शन है, जो प्लांट में कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल, उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम एनिमल के अंदर किस तरह से होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ तक करके रखें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।